हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ूंगा पेज नंबर 38 पे आ जाइए सर। तो कल मैंने आपको एक रिसाइज के बारे में पढ़ा था, जिसमें स्कैबिंग के बारे में पढ़ा था। उसका कुछ स्टेप्स है, वो आपको मैं आज पढ़ूंगा, ठीक है, इस वीडियो में। तो आज हमारा जो रिविजन्स वीडियो में हमारा टॉपिक जो है वो रिसाइज इन स्कैबिंग है, ठीक है। तो द रिसाइज इन स्कैब डायलॉग बॉक्स ओपन। तो पहले हमने क्या किया था, कुछ यानी स्टेप्स का पढ़ाया था फर्स्ट सेकंड। तो आज थर्ड स्टेप से हम पढ़ेंगे। द रिसाइज पिक्चर इज शो इन फिगर 4.10 पर आप देख सकते हैं। पहले अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले कल का वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आज की वीडियो हम देखना तो आपको ईजी हो जाएगा समझने में। तो द रिसाइज एंड स्कैबिंग डायलॉग बॉक्स ओपन, वहां पे क्या होगा, आपका एक रिसाइज और स्कैबिंग का जो बॉक्स है वो ओपन हो जाते हैं। तो इसके बाद रिसाइज फॉलो द स्टेप शो फिगर 4.10 पे जाइए। पहले चेक द यानी मेंटेन एस्पेक्ट ऑफ रिशो बॉक्स। पहले आप क्या करने करेंगे, आप चेक करेंगे यानी रिशो बॉक्स को, ठीक है, उसको पहले मेंटेन करेंगे। इसके बाद आपको क्या करेंगे, इन द रिसाइज एरिया इंटर द न्यू वैल्यू इन द हॉरिजेंटल बॉक्स, द वैल्यू इन द वर्टिकल बॉक्स अपडेट ऑटोमेटिकली। तो आप क्या करोगे, हॉरिजेंटली जो आपका वैल्यू जो है वो आपको चाहे बढ़ाना है कम करना है वो आपको पूरा वहां पे लिखना है। तो इसके बाद नीचे का जो वर्टिकल का जो वैल्यू है वो खुद ब खुद यानी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, थर्ड फिफ्थ एज ए क्लिक ऑन ओके टू गेट द रिसाइज पिक्चर। तो आप ओके के बटन आप क्लिक कर लीजिए, जिससे आपका रिसाइज पिक्चर हो जाएगा, ठीक है, आपका पिक्चर रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। स्कैबिंग मेक अ पिक्चर अपीयर स्लैंटेड, ये स्कैबिंग जो है ना आपकी पिक्चर को स्लैंटेड करते हैं। टू स्केव अ पिक्चर हॉरिजेंटली और वर्टिकली टैप अ वैल्यू ऑफ हॉरिजेंटल और वर्टिकल बॉक्स। चाहे आप टू स्केव अ पिक्चर चाहे आप हॉरिजेंटली करें या वर्टिकली करें, उसमें भी आपको वैल्यू को टाइप करना है हॉरिजेंटल और वर्टिकल बॉक्स में, ठीक है। तो 4.12 4.13 में शो किया हुआ है द पिक्चर स्केविंग हॉरिजेंटल वर्टिकल यानी रिस्पेक्टिवली। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की बुक्स में थोड़ा सा स्कैबिंग हो रहा है। देखो ये पूरा ये तो सर टेढ़े में जा रहा है ना, ये मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर का तो शेप थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो ये आपके लिए स्कैबिंग होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू मच।